वेलकम टू माय चैनल बिहारी ब्लॉग और पूजा, और मैं हूँ पूजा। सो गाइस, मैं बहुत दिनों के बाद मैं मेकअप लुक मैंने किया है, और वो मेकअप लुक मैंने किया है क्योंकि सावन आ रही है, तो इसलिए मैंने हरियाली तीज और फिर हरियाली सावन वगैरह है, तो इसलिए ये मेकअप लुक मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया है। और ये मेकअप लुक मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इस तरीके का मेकअप लुक करना, और बहुत सारे लोगों पर बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये मेकअप लुक पसंद आ रहा है, और तो आप लोगों को देखना है कि मैंने अपना ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है, कैसे अचीव किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो गाइस, मैं अपना मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ स्किन केयर से। तो स्किन केयर के लिए मैं यूज कर रही हूँ सबसे पहले अपने फेस को टोन करने के लिए। तो फेस को टोन करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ बायोटिक का कुकुम्बर टोनर, और इसको अपने फेस पे और नेक पे दोनों पे अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद हमें फेस को मॉइस्चराइज करना है, तो मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ वाव स्किन साइंस का ग्रीन टी मॉइस्चराइजर, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और गर्मियों के लिए मस्ट हैव है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, इसलिए मैं इसी को अप्लाई करती हूँ। अब बार ये फेस को प्राइम करने की, तो फेस को प्राइम करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का टिंटेड प्राइमर, और इसको मैं अपनी पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि अभी रेनी सीजन है, तो कभी भी मौसम गर्म और कभी भी मौसम ठंडा हो जाता है, तो हमें रिस्क नहीं लेना है, इसलिए क्योंकि स्वेटिंग तो होती है, बारिश होती है फिर भी स्वेटिंग होती है, तो इसको अपने पूरे फेस पे लगा लेंगे और बचा हुआ अमाउंट नेक पे लगा लेंगे। और उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर, जो कि ऑरेंज कैरेक्टर टाइप का है, तो जहाँ जहाँ मेरी जो पिगमेंटेड एरियाज़ है वहाँ वहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर लूँगी एज ए कलर कैरेक्टर के तौर पर, और थोड़ा सा अंडर आई एरिया पे भी लगा लूँगी, क्योंकि इन दिनों मेरे जो हेल्थ है वो सही नहीं है, जिसके कारण कुछ कुछ एरिया जो है वो मेरे थोड़े से डार्क हो गए हैं, तो इन सबको लगा लूँगी अच्छे से, और फिंगर की हेल्प से ही इनको ब्लेंड कर लूँगी, और ये बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है, इसलिए ये जो कंसीलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक पे भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, और यहाँ पे मेरी हंसी निकल गई है, तो हंसी इस बात पे है क्योंकि अभी ड्रीम गर्ल फिल्म चल रही है मेरे घर में, और इस वजह से जो कॉमेडी सीन से वहाँ पे हंसी आ जाती है। और ये देखिए कितने अच्छे से इसने ब्लेंड कर दिया है, मेरे जितने भी पिगमेंटेड एरियाज़ है इन सबको इसने हाइड कर दिया है। उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ 925 का लैक्मे का फाउंडेशन, और ये मेरे स्किन टोन से बिल्कुल मैच करता है, इसको मैं अपने पूरे फेस पे नेक पे सब जगह अप्लाई कर लूँगी, एंड एक फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे, क्योंकि मुझे इसको फाउंडेशन ब्रश से ब्लेंड करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और काफ़ी अच्छा लगता है। ब्यूटी ब्लेंडर से कहीं अच्छे से ये ब्रश जो है वो अच्छे से मेकअप को ब्लेंड कर देता है, ये देखिए बिल्कुल नेचुरल फेस लग रहा है, कोई भी एक्सेस मेकअप नहीं लग रहा है, और क्योंकि आपका जो बेस है वो अच्छा होना चाहिए, आपका बेस अच्छा होगा तभी आपका मेकअप जो है वो फ्लॉलेस दिखेगा। तो मैं हमेशा फोकस जो मेरी यही होती है कि मेरा जो बेस है वो अच्छे से अच्छा हो, और ताकि मेरा मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग भी लगे और दिखने में भी अच्छा हो। नहीं तो अगर आपकी बेस अच्छी नहीं होगी, आपने अगर फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड नहीं किया, तो आपका फाउंडेशन जो है वो क्रीज कर जाएगा, और ये देखो बीच बीच में मेरी हंसी निकल ही जा रही है, और कान को भी इग्नोर नहीं करना है, तो इसलिए मैं हमेशा जब भी मेकअप करती हूँ अपने कान पे भी फोकस रखती हूँ। उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे मेकअप को सेट करने के लिए, क्योंकि हमने अंडर आइज वगैरह करेक्ट किया था, कंसील किया था, तो उसके लिए तो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन का लूज पाउडर, और मैं कोई बेक वगैरह नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही थोड़ा देर के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि बेकिंग में मुझे ऐसा लगता है कि बेकिंग में जो है वो पाउडर्स वगैरह थोड़े से ज़्यादा लग जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही अप्लाई कर रही हूँ, और इसको मैं पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, और उसके बाद पूरे फेस को ब्लेंड भी कर लेना है, ताकि मेरा जो मेकअप है वो अच्छे से सेट हो जाए। मुझे जो है वो लूज पाउडर उतना जमता नहीं है, तो मैं डबल श्योर होने के लिए मैं यहाँ पे फेसेस कैनेडा का कॉम्पैक्ट भी अप्लाई करूँगी, बहुत ही हल्के हल्के अमाउंट में अप्लाई करूँगी, क्योंकि हमने पहले से ही जो है वो लूज पाउडर अप्लाई किया हुआ है, तो बस ऊपर से इसको एक सेटिंग के तरीके से मैं इस पर अप्लाई कर लूँगी, ताकि हमारा मेकअप जो है वो और भी अच्छे से और लॉन्ग लास्टिंग रहे, बिल्कुल भी ना पसीना आने के बाद भी ना निकले। उसके बाद बारी आती है आई मेकअप की, तो आई मेकअप के लिए मैं
मेकअप रेवोल्यूशन का ही ये वाला पैलेट यूज़ करी और इसी से मैं अपना पूरा मेकअप करूँगी। तो इसमें से एक ब्लैक सेट पिक करूँगी, उससे मैं अपनी आईब्रो फिल कर लूँगी एंड दोनों आईब्रो को अच्छे से फिल कर लेंगे। और बीच बीच में मेरी हंसी आ ही रही है जो कि आप लोग नोटिस कर रहे होंगे। उसके बाद मैं एक पीची सा शेड पिक करूँगी, बहुत ही लाइट सा शेड है जो कि मेरी पूरी आईलिड को जो है वो हाईलाइट कर देगी। और उसके बाद मैं कोई भी आई शैडो इस पर अगर अप्लाई करूँगी तो वो बहुत ही नेचुरली लगेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोनों ही आईलिड पे मैं ये पीची सा कलर जो है पूरे अपने आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी। मैं बहुत ही सिंपल सा आई मेकअप रखूँगी। उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ स्टेकवर्की का आई शैडो पैलेट और उसमें से ये गोल्डन कलर में पिक करूँगी और अपनी फिंगर की हेल्प से अपने पूरे क्रीज पे अप्लाई कर लूँगी। एंड ऑफ कैमरा जो है वो मैंने आईलैशेस लगा लिए हैं। उसके बाद मैं आईलैशेस और अपनी फेक लैशेस और नेचुरल लैशेस जो है दोनों को मास्क करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का मस्कारा। और ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है, बहुत बजट फ्रेंडली है, 100 रुपीज़ के अराउंड ये आ जाती है और काफ़ी अच्छी खासी आपकी आईलैशेस को वॉल्यूम भी देती है और काफ़ी अच्छा भी है। तो अभी तो डेली यूज़ के लिए भी अच्छा है, अगर आप कहीं जा रहे हो तो भी अच्छा है, लेकिन आपको एकदम बिल्कुल वाटर प्रूफ मेकअप चाहिए तो आपके लिए ये रिस्की हो सकता है। उसके बाद मैं यूज करी मेबलिन का लाइनर और इससे मैं अपनी एक विंग ड्रॉ करूँगी, थोड़ा सा थिक ड्रॉ करूँगी। और सॉरी, बार बार जो है वो मिरर आ जा रहा था मेरी आंखों मतलब कि फेस के पास, जिसके कारण से आप लोगों को पूरा जो है आई मेकअप नहीं अच्छे से दिख रहा होगा, लेकिन मैंने कोशिश की है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का काजल और इसको मैं अपने पूरी आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी, थोड़ा सा थिक अप्लाई करूँगी क्योंकि आई मेकअप जो है वो मैंने बहुत ही सिंपल सा रखा हुआ है, इसलिए जो आँखों की जो ऊपर नीचे है वो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा डार्क हो जाए। थोड़ा सा मैं आँखों के नीचे टैगलाइन भी कर लेती हूँ अपर आईलैशेस के ऊपर और इनको मैं एक स्मज ब्रश से अच्छे से स्मज कर दूंगी जिससे मैंने आईब्रो फिल किया था। और इधर थोड़ा सा मैं कॉर्नर निकालूंगी ताकि ये थोड़ा सा स्मोकी सा इफेक्ट आए। उसके बाद मैं अपने इनर आई कॉर्नर जो है उसको भी थोड़ा सा विंगी सा इफेक्ट दूंगी। उसके बाद मैं ब्लश यूज करूंगी और ब्लश मैं यूज करी वेट एंड वाइल्ड का, ये कोरल सा कलर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि मुझे पिंक वाला ब्लश उतना पसंद नहीं आता क्योंकि वो पिंकी पिंकी से लगता है। और मैं इसको ब्लश के तौर पे नहीं लगाऊंगी, मैं इसको ब्राउन्जर के तरीके से लगाऊंगी क्योंकि अभी ये जो इस तरीके का जो ब्लश है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, थोड़ा सा नाक के पास थोड़ा सा चीक के पास, तो मैं पूरे इसी तरीके से अप्लाई करूँगी। थोड़ा सा पिंकी पिंकी सा जो टिंट आता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। आप अगर इंस्टा रील देखते हो या फिर इंस्टा पे देखते होगे तो आप ज़्यादातर देखते होगे कि आजकल नोज पे भी ब्लश लगाते हैं, पूरे इस तरीके से फेस पे होता है और बहुत ही अच्छा लगता है आजकल। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का ही रैम्बो हाइलाइटर और हाइलाइटर के मामले में मैं बहुत ही ज़्यादा कंजूस हूँ, मुझे बहुत ही कम, मुझे उतने जो बिंगी बिंगी से जो मेकअप होते वो मुझे उतने पसंद नहीं है, मुझे मैट मेकअप ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं हाइलाइटर बहुत ही कम लगाती हूँ। और उसके बाद मैं थोड़ा सा कॉलर बोन पे लगा लूँगी, अगर आप साड़ी पहनते हो थोड़ा सा टर्न होते हो तो आपका जो कॉलर बोन है वो थोड़ा सा लाइट करता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद मैं यूज़ करी स्टेकवर्की का लिपस्टिक्स और बुलेट लिपस्टिक है ये और इसमें मेरा शेड है रेड कलर है और शेड नंबर मुझे नहीं पता क्योंकि 2-3 साल पहले ख़रीदी हुई लिपस्टिक्स है और अभी एक्सपायरी डेट इसका भी ख़त्म नहीं हुआ है। और ये मेरा जो लिपस्टिक है वो भी मैंने अप्लाई कर लिया है। एंड लास्ट में मैं यूज़ करी वेट एंड वाइल्ड का मेकअप फिक्सर, इसको मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। सो मेरा मेकअप डन हो गया। फाइनल फिनिश लुक और मैंने ये ग्रीन कलर की इयररिंग वेयर की हुई है क्योंकि मेरी साड़ी का कलर ग्रीन है और ये जो मैंने नेक पीस पहना हुआ है इसमें भी ग्रीन एंड रेड का कॉम्बिनेशन है और ये गोल्ड की
गोल्ड वाली मैंने नेक पीस पहना हुआ है और हाथों में मैंने चूड़ा पहना हुआ है, क्योंकि ग्रीन कलर जो है उस पर चूड़े वगैरह बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास ग्रीन कलर की चूड़ियाँ नहीं है और मांग मैंने भर के किया है, क्योंकि अभी ये वाला जो मांग है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी लगता है और फेस्टिवल वगैरह में ख़ास मौक़ों पे इस तरीके का लुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने सिंपल सा एक ऐसी ग्लेचर लगा लिया है, बाल को मैंने बहुत ही सिंपल रखा है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये वाला मेकअप लुक क्रिएट किया है। सो कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड एक बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि अभी बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, तो अगर आप लोगों को किस किस टाइप का मेकअप लुक देखना है आप लोग मुझे कॉमेंट करना, तो मैं मेकअप लुक वगैरह की भी वीडियो इन दिनों लेकर आया करूँगी। सो चलिए वीडियो के यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं, बाय।